नमस्कार रिपोर्ट और एग्ने न्यूजर विशेष अनुष्ठान द पलिटिकार मजियाल मैं मृन्मय तालुकदारे आपनलोक स्वागत जानसो आज द पलिटिकात आम कथ पातीम राष्ट्रीय पर्याय नीतीश कुमारे राष्ट्रीय विरोधी राजनैतिक दलसमूह एकत्रित कर प्रयास कर विषय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी नेतृत्वाधीन केन्द्र सरकार विरुद्ध एकगत हम राष्ट्र विरोधी राजनैतिक दलसमूह मोदी शासनकाल राष्ट्र विरोधी राजनैतिक दलसमूह निखगतिया और विरोधी राजनैतिक दलसमूह नेतासकलक सीबीआई ईडी द्वारा एजनर पिछत एजनक कारागार बंद कोठाल आबद्ध कर षड़यंत्र कर अभियोग आनी किंतु नरेन्द्र मोदी नेतृत्वाधीन एनडीए सरकार इमान शक्तिशाली जे कोनोटा विरोधी राजनैतिक दल अकले प्रतिद्वंदिता बीजेपीक हरवाब नारे सैये नरेन्द्र मोदी रुधिबार एकगत हम विरोधी राजनैतिक दलसमूह विरोधी शिविर चाणक्य रूप आगे एकाल नरेन्द्र मोदी और अमित शाहर अति घनिष्ठ हिसाब सेचित बिहार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार काश्मीर कन्याकुमारी पश्चिम बंगर उत्तर प्रदेश दिल्लर महाराष्ट्र विरोधी एकत्रित कर दिने निशा दौड़ी फुरी एतिया नीतीश कुमार कईदिनान पूर्वे नीतीश कुमारे दिल्लर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सहित रुद्रदार बैठक मिलित होती बैठक अंत नीतीश कुमार और केजरीवाले संबद माध्यम सम्मुख घोषणा करजेपीक हरवर स्वार्थ और विरोधीक एकत्रित कर स्वार्थ आम एटेलगे कम कर अरविंद केजरीवाले नरेन्द्र मोदी नेतृत्वाधीन केन्द्र सरकार देशों आटतक दुर्नीतिग्रस्त सरकार आख्या दी बातचीत हो गई और तय हो गया क्या तय हो गया थोड़ा कि एकता के लिए हम लोग काम करेंगे आज बात हो गई है आप समझ गए दिन में बात करा ही दी आपको कांग्रेस से उसके बाद वहाँ जो बात हुई उसके बाद तो हम लोगों का पहले दिन से बातचीत थी ही आज फिर आ गए आज हम लोगों का ये तय हो गया कि नहीं ठीक अधिक से अधिक अधिक से अधिक विपक्षी पार्टियों को एकजुट करेंगे लीजिए बाकी सब पर कोई कमेंट नहीं कर एक लाइन में बता दिया कि हम लोग अभी सर इस वक्त देश बहुत मुश्किल दौर से गुजर रहा है और जैसे मैंने कई बार बोला है कि शायद आजादी के बाद की सबसे भ्रष्ट सरकार आज देश के अंदर है और एक आम आदमी के लिए अपने घर का खर्चा चलाना मुश्किल हो रहा है इसलिए बहुत जरूरी है कि सभी विपक्ष और सारा देश एक साथ आके इकट्ठा होके और केंद्र के अंदर सरकार बदले और ऐसी सरकार आनी चाहिए जो कि इस देश को विकास दे सके और इस देश के लोगों को उनकी समस्याओं से मुक्ति दे सके। नीतीश जी ने पहल की है और सबको इकट्ठा कर रहे हैं लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं विपक्ष को इकट्ठा कर रहे हैं दलों को इकट्ठा कर रहे हैं और बहुत अच्छा वो कर रहे हैं हम पूरी तरह से इनके साथ हैं और जिस तरह से ये सबको जोड़ रहे हैं हम उनके साथ हैं। नीतीश जी में पीएम की क्वालिटी है अभी आप लोगों के मन में ढेर सारे प्रश्न होंगे उन प्रश्नों के जवाब एक शाम की मुलाकात में नहीं दिए जा सकते जैसे जैसे हम लोग रास्ते में चलेंगे वैसे वैसे आपके प्रश्नों के जवाब भी देंगे आज सारे प्रश्नों के जवाब आपको लेकिन कई राज्यों में बीजेपीर विरुद्ध विरोधीक एकत्रित कर लक्ष्य ममता बनर्जी मिलित नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव ममता बनर्जी मंतव्य कर लोकसभा निर्वाचन पूर्वे विरोधी एकत्रित हमले बीजेपीक पराभूत करजेपीक जिरो करें ऐक्यबद्ध हब लगे ऐक्यबद्ध हर विकल्प ना यह मंतव्य पश्चिम बंगर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अगर हम बिहार में और पार्टी मिलकर मीटिंग करें एक पहले घरवा मीटिंग उसका बाद में तैयार करें बाद में कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है क्या मैनिफेस्टो है वो सब बाद में बताएंगे लेकिन पहले एक साथ में एक मैसेज कर देना है कि हम लोग सब एक साथ में है हमारा तो हम तो पहले से आप लोगों को कह चुका कि हमारा इसमें कोई ऐतराज नहीं है हम चाहते हैं बीजेपी जीरो बन जाए बहुत बड़ा हीरो बन गया कोई कुछ नहीं करके मीडिया का सपोर्ट में और नैरेटिव बना के खाली झूठा बात करके फेक वीडियो बना के और फेक बात करके और गुंडा गद्दारी करके ऐसा नहीं चल सकता है इसी के लिए
नीतीश जी सबके साथ बात करेंगे, हम भी बात कर रहे हैं, तो एक साथ में मिलके हम लोग चलेंगे। हमारा कोई पर्सनल ईगो का कोई बात नहीं है, हम कलेक्टिवली एक साथ में काम करने चाहते हैं, यही मैसेज है। ইয়াৰ পিছত নীতিশ কুমাৰ মিলিত হৈছিল সমাজবাদী পাৰ্টীৰ নেতা অখিলেশ যাদৱৰ সৈতে। অখিলেশ যাদৱে বৈঠকৰ অন্তত কৈছিল যে গণতন্ত্ৰ আৰু সংবিধান ৰক্ষাৰ স্বাৰ্থত আমি নীতিশ কুমাৰৰ সৈতে আছোঁ আৰু বিজেপিৰ কুশাসনৰ পৰা দেশক বচাবলৈ হ'লে আমি বিজেপিক দেশৰ পৰা বিদায় দিব লাগিব। এই মন্তব্য সমাজবাদী পাৰ্টীৰ অধ্যক্ষ অখিলেশ যাদৱৰ। भारतीय जनता पार्टी की लगातार गलत आर्थिक नीतियों के कारण किसान, गरीब, मजदूर तकलीफ और परेशानी में, संकट में, महंगाई चरम सीमा पर है, बेरोजगारी चरम सीमा पर है, और इस भारतीय जनता पार्टी को हटाने में हम आप लोगों के साथ हैं। भारतीय जनता पार्टी हटे देश बचे, उस अभियान में हम लोग आपके साथ। আনহাতে নীতিশ কুমাৰৰ সমৰ্থনত থিয় দিছে বিজেপি বিৰোধী ৰাজনৈতিক দলৰ নেতাসমূহ। এই সন্দৰ্ভত বিৰোধী দলৰ নেতাসমূহে কি কৈছিল তাৰ ক্ৰিয়দংশ আপোনালোকলৈ বুলিয়ে দিলো। মাননীয় নীতিশ কুমাৰজীয়ে ভাজপা মুক্ত ভাৰত কি শুৰুৱাত বিহাৰ ফৰ্মুলে চে কি জব বিপক্ষী লোক মিলাকৰ হমনে ভাজপা কো সত্তা চে হটায়া। ইসি তৰ্জ পৰ মাননীয় নীতিশ কুমাৰজী বিপক্ষী একা কে নায়ক সূত্ৰধাৰ মলাকাৰ বনকৰ वो उसको सच में कसद सच कर रहे हैं ताकि 2024 में हम फिर भाजपा मुक्त भारत कर सके और केंद्र सरकार से भाजपा को सत्ता से हटा सके। इसी क्रम में माननीय नीतीश कुमार जी का जो मुहिम हो रहा है उसमें अन्य नेताओं से मिल रहे हैं और आज उन्होंने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी से मिला और वहाँ से भी बहुत सकारात्मक रिस्पॉन्स मिले हैं। निश्चित ही अब ये चीज़ एक बहुत सकारात्मक स्टेप हुआ और विपक्षी एका बन के रहेगी ऐसा प्रतीत होता है। भाजपा या उनके नेतागण मुगालते में रहे लेकिन सामाजिक राजनीतिक जीवन में हम जन आकांक्षाओं पर चलते हैं और जनता भाजपा के कुशासन, महंगाई, बेरोजगारी, जुमलेबाजी, सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ना, इन सब बातों को लेकर जनता इतनी परेशान है कि जनता भाजपा मुक्त भारत चाहती है और हम उसी दिशा में जनता की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए हमने बिहार से बीजेपी को सत्ता से हटाया और 2024 में फिर बीजेपी सत्ता को हटाएंगे। माननीय नीतीश कुमार जी इस विपक्षी एका के नायक हैं। नीतीश कुमार जी का जो इनिशिएटिव है बहुत ही स्वागत योग्य है, वो तो पहले से ही कह रहे थे लेकिन समय सही समय पर शुरू किया है। खड़गे जी, राहुल जी, नीतीश जी और स्टालिन, बहुत सारे नेता हैं जो मिलकर के इस इनिशिएटिव को आगे बढ़ा रहे हैं। नीतीश जी कि एक जिम्मेदारी भी दी गई है ममता जी से, वो बात करें तो कर रहे हैं। और जो नीतीश जी का सुझाव है कि वन अगेंस्ट वन, अगर ऐसा होगा तो बीजेपी 100 के सीट के नीचे आ जाएगी। नीतीश कुमार जी इसके पहले कांग्रेस अध्यक्ष से मिले, खड़गे साहब से, वो राहुल गांधी जी भी उसमें उपस्थित थे। आज भारतीय जनता पार्टी के ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स का जिस तरह दुरुपयोग किया जा रहा है, इन संस्थाओं को जिस तरह लगाकर लोकतंत्र की हत्या कर रही है भाजपा, उसके खिलाफ सब एकजुट हो रहे हैं। और भाजपा के पास तो कुल मिला के 36-37% वोट है, 63-64% वोट उनके खिलाफ है। तो ये 63-64 में अगर 50% भी एक साथ मिलकर लड़ लेंगे तो आप देखिएगा इस देश में ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार 100 सीटों से कम पर आ जाएगी अगले 2024 में। तो मैं शुभकामनाएं देता हूं नीतीश जी, अखिलेश जी को, कि उनकी वार्ता सफल हो, ममता जी से सफल हो। सबका मन है भाजपा के खिलाफ, अब वो सिर्फ ये चाहते हैं कि कुछ बातों पे हम लोग आपस में बैठकर बात कर लें। আনহাতে নীতিশ কুমাৰৰ বিৰোধী ঐক্য নীতিক কঠোৰ প্ৰকাৰে সমালোচনা কৰিছে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। ৰাষ্ট্ৰীয় সংবাদ মাধ্যমৰ সন্মুখত নৰেন্দ্ৰ মোদী অপ্ৰতিৰোধ্য বুলি মন্তব্য কৰি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই নীতিশ কুমাৰক তীক্ষ্ণ প্ৰকাৰে সমালোচনা কৰিছিল। হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ মন্তব্য শুনো আহক। নীতিশ কুমাৰ জী কো জো উনকা জো মেনে দেখা হওঁ, সুবে কলকাতা গিয়া, ফিৰ সামনে লক্ষ্ণৌ গিয়া, ক্যা মোদী জী প্ৰধানমন্ত্ৰী বননে কা পহলে কোই দুসৰা ষ্টেট মে গিয়া থা কেছে?
कि हमें इसको हरवाना है, हमारा पास आ जाइए। तो ये सब एक सॉलिड इंप्रेशन देता है लोगों को कि मोदी इज अनडिफिटेबल। यही से हम सलता हूं, जो ऑपोजिशन बोलता है ना हमें सब एक होना है, अरे आप क्यों एक होना है? बिकॉज मोदी इज अनडिफिटेबल, इसलिए आपको एक होना है। दैट मीन्स दीस आर एडमिशन ऑफ डिफीट बिफोर द एक्चुअल गेम स्टार्ट्स। आपको लगता है ये मोदी हराओ वाले फॉर्मूले पर चलते हैं इसलिए मोदी को नहीं हरा पा रहे, स्ट्रेटजी चेंज करनी पड़ेगी? मोदी जी को कैसे हरवाना है वो फॉर्मूला मेरा पास नहीं है, बिकॉज एज ऑफ नाउ मेरा लगता है नोबडी इज बिजी इन दैट फॉर्मूला। सब लोगों का मन में यही है कि मोदी जी और कैसे 15-20 साल रहे भारतवर्ष का प्रधानमंत्री। तो भारत का लोग वो काउंटिंग कर रहा है, वो लोग दूसरा काउंटिंग कर रहे। तो इसीलिए मेरा लगता है कि ये समय आज जो देश को देखने मिला है, जैसा देश में तरक्की हुआ है, देश में कम्युनल हार्मनी जिस तरह बनाए। आनहाते नीतीश कुमारक तुच्छ आच्छिल্ला करी बीजेपी दलर नेता मंत्रीये कैसिल जे प्रधानमंत्री चकीखनर आखात नीतीश कुमारे एनेकै दौड़ी आछे। किन्तु सचाकये प्रधानमंत्री हर आशा नीतीश कुमारे एबोर करी आछे निकी? साहक एक सन्दर्भत नीतीश कुमारे की कैसिल? देखिए सब लोग एकजुट हो जाएंगे तो नेता बनेंगे, जो भी बनेंगे काम करेंगे और देश के हित में काम करेंगे। और एक चीज हम बता देते हैं, अपने बारे में बता देते हैं, हमको नहीं बनना है, यह अच्छी तरह जान लीजिए। हम सबको खाली एकजुट करने में लगे, अपने लिए हमको नहीं कुछ चाहिए, हम देश के हित में काम करेंगे और बाकी सब लोग होंगे, दूसरे लोग होंगे, सब बैठ करके तय करेंगे। हसा को नीतीश कुमार प्रचेषा सफल हब जानो, ঐক্যবদ্ধ হব জানো বিজেপি বিরোধী রাজনৈতিক দলসমূহ, নে ক্ষমতার খোয়া কামরার বাবে আকো বিভাজিত হব বিরোধী? তার বাবে আমি রব লাগিব 2024 সনের লোকসভা নির্বাচনের প্রাক মুহূর্তলৈ। আজিলৈ বিদায় লৈছো, নমস্কাৰ।